टीचर ट्रेनिंग बुक पेज नंबर 17 पार्ट 2। पहला इस पेज का पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग प्लस 3 का फॉर्मूला सीख रहे हैं। प्लस 3 का हर किसी को दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने बताया 5 का सिंगल एक ही फॉर्मूला होता है। तो प्लस 3 का नया वाला फॉर्मूला है प्लस 5 माइनस 2। पुराना वाला जो हम पहले सीख चुके हैं वो था माइनस 7 प्लस 10। जब फॉर्मूला लगना होगा तो इन दो में से एक लगेगा, मान लो नहीं लगता तो सिंपली 3 हो रहा होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बी करके देखते हैं हम लोग। ऐसे आपने अबेकस होल्ड किया, तो क्वेश्चन बी है 12 3 4 3। पहले आपने अबेकस ऐसे क्लियर किया, 12 एक साथ करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 3 4 3, तो पहले 3 करेंगे, 3 नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला नया वाला है प्लस 5 माइनस 2, ये 3 हो गया। फिर है 4, वो थम अप से आराम से हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। और फिर है 3, अब वापस 3 आ गया तो नया वाला फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है प्लस 5 माइनस 2 वाला, क्योंकि माइनस 2 तो हो सकता है प्लस 5 नहीं हो सकता, वो तो पहले हो रखा है। तो पुराना फॉर्मूला है माइनस 7 प्लस 10, एक साथ करेंगे। इस तरह आपका ये आंसर आया है 22। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूले दो दो हैं, बहुत सारे हैं, कैसे लर्न होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फॉर्मूले आपको अपने आप ही लर्न होते रहेंगे नेचुरली। क्वेश्चन डी 4 3 1 3, अबेकस आपने ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 4 थम अप, फिर 3 3 हो नहीं रहा है तो लगाएंगे फॉर्मूला नया वाला है प्लस 5 माइनस 2। उसके बाद 1 है, आराम से हो रहा है थम अप से। फिर वापस 3 आ गया, अब नया फॉर्मूला लग नहीं रहा है तो पुराना फॉर्मूला है माइनस 7 प्लस 10। तो देखो इन क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्मूले डिस्कस आराम से हो रहे हैं, आंसर इज 11। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई 2 2 3 3। अबेकस ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, पहला 2 थम अप, सेकंड 2 थम अप, फिर 3 करना है नहीं हो रहा है प्लस 5 माइनस 2, नया फॉर्मूला लगा कर लिया। अब वापस 3 आ गया, अब कैसे करें, नया फॉर्मूला लग नहीं रहा तो पुराना वाला माइनस 7 प्लस 10, फिंगर का ध्यान रखने का, आंसर इज 10। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ 2 3 2 3। अबेकस ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 2 थम अप से किया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 करना है नहीं हो रहा है, नया फॉर्मूला लगाएंगे प्लस 5 माइनस 2, फिर 2 थम अप, और फिर करना है आपको 3। अब 3 हो नहीं रहा है तो नया फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है तो पुराना लगाएंगे माइनस 7 प्लस 10, हो रहा है आराम से माइनस 7 प्लस 10, आंसर इज 10। इसमें हमको फॉर्मूले और क्लियर होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन जी 4 3 8 3, अबेकस आपने ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 4 थम अप से किया, फिर 3 नहीं हो रहा है प्लस 5 माइनस 2, नया वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। उसके बाद 8, फिर है 3, तो पहले 8 करेंगे, 8 नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला है माइनस 2 प्लस 10, ये पहले हम सीख चुके हैं। उसके बाद 3 है, अब आप फॉर्मूला लगाने के सोच रहे होंगे तो लग ही नहीं रहा कोई फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला लगेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि सिंपल 3 हो रहे हैं, आंसर इज 18। क्वेश्चन आई 3 3 2 3, सबसे पहले आपने अबेकस ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, ये 3, फिर 3 दोबारा आ गया नहीं हो रहा है तो नया फॉर्मूला है प्लस 5 माइनस 2, 2 3 हो गए, फिर 2 है, आराम से हो रहा है थम अप से। उसके बाद है फिर आपका 3, अब नहीं हो रहा है तो लगाएंगे फॉर्मूला, तो अब नया फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है प्लस 5 माइनस 2 वाला, पुराना तो लग सकता है ना माइनस 7 प्लस 10, तो वो लगा लीजिए, आंसर इज 11। एक क्वेश्चन और करते हैं जे वाला 4 3 9 3, अबेकस ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 4 थम अप से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर है 3, अब 3 हो नहीं रहा है तो नया फॉर्मूला है प्लस 5 माइनस 2, कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, फिर है 9,
अब 9 नहीं हो रहा तो फॉर्मूला हमने सीखा था माइनस वन प्लस टेन, सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही सीखा था। और फिर है 3, अब कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 3 हो रहा है। आंसर इज 19। अभी हम सीखेंगे प्लस 4 का नया वाला फॉर्मूला। पुराना वाला फॉर्मूला था माइनस 6 प्लस 10, नया वाला है प्लस 5 माइनस 1। बेसिकली कई बार लोग इनको नाम भी दिए हुए रहते हैं, जैसे स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड, तो ये इनको स्मॉल फ्रेंड बोला जाता है। जो ये देख रहे हैं ना प्लस 5 वाले फॉर्मूले, जो भी समय प्लस 5 आ रहा है माइनस 5 आ रहा है, इसको जनरली बातचीत में इसको स्मॉल फ्रेंड वाले फॉर्मूले बोले जाते हैं। और जिसमें प्लस 10 होता है ना, ये देखिए ऊपर भी आता है, वो उसको बिग फ्रेंड बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में। बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप फ्रेंड बोलें तो ठीक, नहीं बोलें तो ठीक। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं नया वाला फॉर्मूला 4 का प्लस 5 माइनस 1, पुराना वाला है माइनस 6 प्लस 10। तो क्वेश्चन एल देखते हैं, 2414। अबेकस आपने ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 2 थम अप, फिर 4 करना है नहीं हो रहा, तो नया फॉर्मूला प्लस 5 माइनस 1, फिर 1 आराम से थम अप से हो रहा है, और फिर 4, अब 4 हो नहीं रहा है तो पुराना फॉर्मूला लगा लो, नया नहीं लग रहा, माइनस 6 प्लस 10। आंसर इज 11। क्वेश्चन एम 3414। अबेकस आपने ऐसे होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 3 थम अप से किया, उसके बाद है 4, अब 4 हो नहीं रहा है तो नया फॉर्मूला है प्लस 5 माइनस 1, उसके बाद 1 है थम अप से हो रहा है, फिर वापस 4 आ गया, तो नया फॉर्मूला लग नहीं रहा है तो पुराना लगा लेंगे, माइनस 6 प्लस 10। इसमें हमारे दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, तो इस तरह हमने दोनों फॉर्मूले लगा के देख लिया, आंसर इज 12। ये क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपको दोनों फॉर्मूले की हैबिट बनी रहे, और कहीं कहीं फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगता है तो वो क्वेश्चन में डिजाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन ओ 4444, 4 बार 4 आया, ऐसे आपने अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, पहला 4 तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेकेंड 4 प्लस 5 माइनस 1 फॉर्मूले से किया, थर्ड 4 फिर नहीं हो रहा तो नया फॉर्मूला की जगह पुराना लगेगा, माइनस 6 प्लस 10, और फिर चौथा वाला 4, तो माइनस 6 प्लस 10 अब तो लग नहीं सकता है, तो नया फॉर्मूला क्या, प्लस 5 माइनस 1। आंसर इज 16। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पहली बार 4 किया तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, बाकी हमको 4 के फॉर्मूला लगाने पड़े, तो आंसर इज 16। एक क्वेश्चन पी है 4484, ऐसे आपने अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 4484, पहली बार 4 किया कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड टाइम 4 नहीं हो रहा है, तो प्लस 5 माइनस 1, यहां तक क्लियर है, उसके बाद 8 करना, अब 8 हो नहीं रहा है, माइनस का 8 तो हो सकता है लेकिन प्लस का नहीं हो रहा है, तो लगाएंगे फॉर्मूला माइनस 2 प्लस 10, और फिर 4 है तो नया फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, और 3 हो सकता है 4 नहीं हो सकता, तो पुराना फॉर्मूला है माइनस 6 प्लस 10। आंसर इज 20। क्वेश्चन क्यू 3424, ऐसे आपने अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, 3 कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद है 4, तो 4 प्लस 5 माइनस 1, देन 2, 2 थम अप से आराम से हो रहा है, और फिर आ गया आपका 4, अब 4 हो नहीं रहा है तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला माइनस 6 प्लस 10। आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1434 आर वाला, 1 कोई दिक्कत नहीं है, 4 करना है तो प्लस 5 माइनस 1, फिर 3 थम अप से हो रहा है,
और उसके बाद आपको वापस से 4 नहीं हो रहा है तो लगाएंगे फॉर्मूला -6 + 10, आंसर इज 12। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं एस वाला, 4 4 5 4। अभी कैसा आपने होल्ड किया, क्लियर किया, दो बार 4 किया, पहला 4 थमअप्स हो गया, सेकंड 4 + 5 - 1 दो हो गए। उसके बाद 5 या 5 हो नहीं रहा, तो 5 का तो एक ही फॉर्मूला है प्लस 5 का, तो वो हमने पहले सीख रखा है -5 + 10, फिंगर का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर 4 है तो +5 - 1, आंसर इज 17। उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट इन कोर्सेज की ट्रेनिंग लेके अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, और इन कोर्सेज का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ट्रेनिंग अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स और हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्सेज की एकदम फ्री है, स्टडी मटेरियल नॉमिनल चार्ज पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक यू।